दोस्तों, सूरज की रोशनी की वजह से वायुमंडल की एक परत है वो चमक उठती है। तो आपको बताना है कि इस परत का नाम क्या है। आपका पहला ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, दूसरा ऑप्शन है फोटोस्फीयर यानी प्रभामंडल, तीसरा ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, और चौथा ऑप्शन है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं पता होता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि इसमें गलत ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम प्रश्न के सही ऑप्शंस के साथ साथ गलत ऑप्शंस के बारे में भी कुछ बातें जानें। इसलिए यहाँ पे हम सही ऑप्शन के साथ साथ गलत ऑप्शंस के बारे में भी कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो आयन मंडल है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। लोगों को ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे जो पानी पाया जाता है केवल वही हाइड्रोस्फीयर में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी पे जो पानी पाया जाता है, जैसे समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में इत्यादि जगह जो पानी पाया जाता है, इसके साथ ही साथ जो पानी हमें अंडरग्राउंड मिलता है और जो पानी सूरज की रोशनी की वजह से वाष्पीकृत होकर हवा में चला जाता है, वो सब मिला के हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल या प्रभा मंडल भी बोलते हैं। ये किसी भी सितारे की, किसी भी तारे की आउटर लेयर होती है, मतलब सबसे किसी भी स्टार की सबसे आउटर लेयर जो होती है, जिससे हमें रोशनी आते हुए दिखाई देती है, उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल बोला जाता है इसको। पृथ्वी पे मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का होना, तूफान का आना, बर्फ का गिरना या फिर ओले पड़ना, इस सब जैसी जो भी घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही होती है यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मौसम की गतिविधियों के कारण परिवर्तित होता रहता है। इसलिए कि खास बात यह है कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो मौसम के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती है। मतलब आज आप जहाँ पे हैं वहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है गर्मियों के मौसम में वैसी ऊंचाई नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए दिल्ली में हैं और यहाँ पे जितनी ऊंचाई है तो वह उतनी ऊंचाई लंदन में नहीं रहेगी या फिर श्रीलंका में नहीं रहेगी। तो ये बातें, ये दूसरी बात आप याद रखिएगा कि इसकी जो ऊंचाई होती है ये बदलती रहती है, और पोल्स पे इसकी ऊंचाई सबसे कम 8 किलोमीटर के लगभग होती है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा 18 किलोमीटर के लगभग होती है। पृथ्वी पे पाए जाने वाली जो भी गैसें, उसमें 95% गैसें ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं। इस लेयर में ऊपर की तरफ जाने पर तापमान लगातार कम होता जाता है। अगर आपने हमारे साइंस चैनल पे बादलों के बनने के 5 स्टेप वाला वीडियो देख रखा है तो आपको पता होगा कि जब सूरज की रोशनी से वाष्प ऊपर की ओर उठती है तो फिर वो धीरे धीरे ठंडी होती रहती है। तो वाष्प के ठंडे होने का कारण यही होता है कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे तापमान लगातार कम होता रहता है, और ये तापमान जिस दर से कम होता है उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर बोलते हैं। ये 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री का तापमान कम हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फीयर के बाद जो आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर आता है। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की सीमा को हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, और ये करीब 1.5 किलोमीटर मोटी होती है। तो चलिए इसके बाद हम वायुमंडल की परतों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रोपोस्फीयर, जैसा हमने बताया, इस लेयर में सारे परिवर्तन होते हैं मौसम से संबंधित। इसी लेयर में हमें हॉट एयर बलून और पैसेंजर एयरप्लेन भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, इसमें तापमान एक समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल भी हिंदी में बोला जाता है। लेकिन क्या होता है कि इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो वैसे तो तापमान यहाँ समान रहता है, लेकिन जैसे ही ओजोन की लेयर आती है वहाँ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल आता है। इसकी ऊंचाई 80 से 90 किलोमीटर तक होती है। देखिए, ये ऊंचाई के बारे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें आपको मिलेंगी, लेकिन मोटा मोटी एक बात सेम रहेगी कि यहाँ पे रेंज काफ़ी मिलती जुलती रहेगी। मीजोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर आता है। थर्मोस्फीयर में ही हमारा आयन मंडल पाया जाता है। दरअसल थर्मोस्फीयर के निचले भाग को ही आयन मंडल बोला जाता है। इसके बाद एक्सोस्फीयर आता है, जो कि अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच की एक सीमा आप समझ लीजिए होती है। तो आयन मंडल जो है थर्मोस्फीयर का सबसे नीचे वाला भाग होता है, और ये थर्मोस्फीयर में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो भी गैसें होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं। और ये आयनाइज गैसें जब सूरज की आ रही रोशनी से मिलती हैं
तो कुछ विद्युत चुंबकीय घटनाओं को जन्म देती हैं जिन्हें हम अरोरा बोलते हैं। अब उत्तरी ध्रुव में जो अरोरा देखने को मिलता है हम उसे अरोरा बोरियलिस बोलते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में जो अरोरा देखने को मिलता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिस आप इस बात से याद कर सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव के पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इससे आप यहाँ पे ये याद कर सकते हैं कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है दक्षिणी ध्रुव के पास है। आयनोस्फीयर की भी तीन लेयर्स होती हैं, डी, ई और एफ। इसमें कुछ लेयर होती है जो सूरज की रोशनी रहने पे रहती हैं, और सूरज की रोशनी जैसे ही जाती है वो लेयर्स गायब हो जाती हैं। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी आप ये बात जान लीजिए कि जो ई लेयर होती है इससे मीडियम रेडियो वेव यानी मध्यम रेडियो तरंगे जो हैं परावर्तित होके धरती पे वापस आती हैं, और एफ लेयर से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होके आती हैं। तो इसमें आपको जो पॉइंट्स याद करने हैं वो ये है कि ये लोअर थर्मोस्फीयर का पार्ट है और यहाँ पे अरोरा की घटना देखने को मिलती है, और इसके तीन लेयर्स में से ई लेयर में क्या होता है और एफ लेयर में क्या होता है, यहाँ आप ये पॉइंट्स याद कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साइंस चैनल क्यूरियस मॉन्क हिंदी को विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे चैनल जीके वी रेस्पिरेंट जंक्शन को भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।